तो आज मेरे पास है प्योर ईवी की ईट्रांस नियो प्लस। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और 3 किलो टार की इसमें बैटरी मिलती है और बहुत सारे फीचर हैं। बेसिकली आज की वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू होगा, रेंज कितनी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, देखने में कैसी है, कंफर्ट है कि नहीं है, चला के भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लोजली दिखाना। तो ये देखो, चार तो इसमें चाबी मिलती है, तो फिजिकल की चार है, तो आपकी कभी गुम जाती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चार चाबी है भाई। और इतनी चाबी कहीं नहीं मिलती, कोई सी आप कार ले लो, बाइक ले लो, कहीं भी नहीं मिलती। और दो रिमोट मिलता है। अब रिमोट में टोटल 3 स्विच है, 3 बटन दी गई हैं, तीनों बटन का अपना काम है। यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर सकते हो और यहाँ से स्टार्ट भी हो जाती है। और इसके साथ इसमें एंटी थेफ्ट वाला फीचर भी है, तो अगर कहीं आप इसको पार्क कर देते हो और स्कूटर को लॉक करके चले जाते हो तो कोई बंदा अगर इसको छेड़ता है तो ये इसका बजर बजने लगता है। तो अभी जैसे कि अपनी स्कूटर लॉक है तो पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अब पास आ जाओ, इधर आ जाओ, और जैसे मैं इसको 2 बार प्रेस करूँगा, ये देखो स्कूटर अपनी स्टार्ट हो चुकी है। और रिमोट के साथ साथ फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो पहले इसके फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करो, क्लोजली दिखाओ फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हो LED वाली लाइट है, साथ ही साथ में यहाँ पे भी LED यूज़ करा गया है। यहाँ पे पार्किंग लाइट वो भी LED में मिलती है। और यहाँ पे ईट्रांस नियो की बैजिंग है, प्योर ईवी की बैजिंग यहाँ पे है, ये व्हाइट कलर है हमारे पास। फ्रंट में डिस्क दिया गया है, प्योर ईवी की ब्रांडिंग है। 90x100 के टायर देखने को मिलते हैं 10 इंचेस में। साइड प्रोफाइलिंग में दिखाओ, तो साइड का प्रोफाइल ये आप देखो ना, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी हाइट कम भी है ना, तब भी आप इसको बड़े ही आराम से चला सकते हो। साइड का जो पूरा पैनलिंग है ये देख सकते हो, ईट्रांस नियो प्लस की बैजिंग यहाँ पे है। सीट में अच्छा खासा स्पेस है, ये आप देख सकते हो, 2 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हो। सीट में कुशनिंग अच्छी खासी है, पैडिंग हैवी है, तो आपको मतलब कंफर्ट भी, अगर आप कहीं दूर भी जाओगे ना, क्योंकि रेंज अच्छी मिलती है 150 किलोमीटर के आसपास, तो आप दूर भी जाओगे तो आपको कंफर्ट मिलेगी। रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो सस्पेंशन है, ट्विन सस्पेंशन पीछे देखने को मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, ऑल LED वाली टेल लाइट है। और ये देखो ब्रेक दबाने पे ऐसा कुछ जल रहा है। अभी देखो दिन का टाइम है तो उतना आपको क्लियर नहीं विजुअल होगा, बट नाइट में बड़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। ये है इसका इस साइड का सेक्शन, में आपको हब मोटर देखने को मिलता है, पीक पावर है लगभग 2200 वाट का। फोन भी आपको अच्छी मिल जाएगी। इस साइड आओ, ये यहाँ पे स्पेस है तो अपना फोन या बॉटल वगैरह कुछ रख सकते हो। सेम इस साइड भी है, इस साइड बड़ा थोड़ा सा नैरो स्पेस है ना, तो प्रैक्टिकल स्टोरेज भी थोड़ा बहुत यहाँ दिया गया है। यहाँ पे कैरी हुक है, ये देख सकते हो, यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट है। ये इसका अंडर सीट स्टोरेज, यहाँ पे स्पेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आप इसका चार्जर रख सकते हो, थोड़ा बहुत और कुछ सामान रखना चाहो तो रख सकते हो। अब ज़्यादा स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी बैटरी जो है ना वो उसमें बड़ी यूज़ करी गई है, जो कि पूरा मतलब यहाँ से नीचे तक गई है, ये देख सकते हो आप, है ना, 3 kWh की बैटरी है, जो कि इसलिए इसका रेंज भी अच्छा खासा मिल रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो MCB भी है, तो यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। चार्जिंग के लिए मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे चार्जर लगता है तो आप नॉर्मली यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो। और इसी के साथ ना इसकी बैटरी जो है वो भी रिमूवेबल है, तो अगर आप इसको लेके जाओ घर में या फ्लैट में रहते हो तो वहाँ पे भी चार्ज कर सकते हो, ऐसे पूरी बैटरी निकल जाती है। अब इसको एक बार लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देखो, तो ये एक फ़ायदा है भाई रिमूवेबल बैटरी का, कि आप कहीं अगर चार्जर आपके पार्किंग में नहीं मिल रहा है तो आप इसको सीधा उठाओ, घर पर ले जाओ, वहाँ पर चार्ज कर सकते हो। अब मैं इसके आपको फीचर्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ से दिखाना भाई। तो ये है इसका क्लस्टर, ये भी डिजिटल क्लस्टर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये सारी स्विचेस हैं, तो क्लस्टर में पहले देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे बैटरी पूरा दिखाता है, यहाँ पे देख सकते हो प्योर ईवी का लोगो भी है। और इसमें 3 मोड मिलते हैं, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे पूरे मोड दिखाते हैं। ये है मोड का स्विच, जैसे मैं मोड चेंज करूँगा ना तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा, अभी फर्स्ट मोड में है, ये सेकंड मोड पे है और ये थर्ड मोड पे है। तो ये मोड आपको डिस्प्ले में भी दिखेंगे। स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है। अब इसकी स्विचेस दिखाओ, तो स्विच गियर्स की क्वालिटी अच्छी है। ये यहाँ पे टर्न सिग्नल का है, यहाँ पे हॉर्न है, और यहाँ पे भी देखो हॉर्न दिया गया है, यहाँ से भी देखो हॉर्न, तो मतलब हॉर्न की स्विच दोनों तरफ है, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप हॉर्न यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे पार्क मोड का भी एक स्विच है, ठीक है, अभी देखो पार्क मोड में आ गई है, जैसे मैं दबाता हूँ तो ये, ठीक है। और ये इसके पूरे मोड के स्विच है, टोटल 3 टाइप के मोड है। और इसी के साथ ना इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। ऐप है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे बैटरी का नंबर होता है ना, ये बैटरी का नंबर, ये देखो ये बैटरी का नंबर 1747 1747, ये ऑन कर देंगे, क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। 97.3% चार्ज है। इसमें पूरा बैटरी का हेल्थ रिपोर्ट आ जाता है। अच्छा, केस अगर फ्यूचर में बैटरी में कोई भी इश्यूज आते हैं तो अपन इस हेल्थ रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि बैटरी में क्या प्रॉब्लम। अच्छा, अभी 97.3% की बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करके अपनी स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हो नंबर के थ्रू, जो कि नंबर इसकी बैटरी में लिखा होता है,
अब इसका रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो देखो इसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी है, मतलब इसको एक बार चार्ज करने में लगभग 3 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और एक यूनिट का कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कहीं 8 रुपये है, कहीं 10 रुपये है, कहीं 6 रुपये है, तो मोटा मोटा मैं 7-8 रुपये लगाता हूँ। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई 20-25 रुपये में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज करने में आपको लगभग 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो इसका आपने वॉक अराउंड फीचर्स तो देख लिया, अब भाई चलाने में कैसी है क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपन इको मोड में चलाते हैं, ठीक है। देखो कंपनी इसमें ना 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है इको मोड में। फर्स्ट मोड में 30-32 की टॉप स्पीड जा रही है, 34 तक जा रही है ना, ठीक है। अब सेकंड मोड में चलते हैं, अगर फर्स्ट मोड मैं देखो नहीं चला पाता हूँ। ये अपना आ गया राइट मोड, ये थोड़ा प्रैक्टिकल मोड है, इसमें आपको 40-45 की टॉप स्पीड मिल जाती है और आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है। बाकी सही है, मेरी हाइट है 5'8", तो उस हिसाब से मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है ना। और इसी के साथ सस्पेंशन भी ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा ख़राब रोड में जाते हो तो उस टाइम सस्पेंशन आपको कम्फर्ट दे देते हैं। यहाँ पर फुटबोर्ड में अच्छा लेग रूम है, मैं आगे अपने पैर कर सकता हूँ, है ना, तो वो एक अच्छी बात है। पैर के लिए भी स्पेस दिया गया है यहाँ पर। फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप गैस सिलेंडर भी रख सकते हो, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई गैस सिलेंडर आए कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आ जाए। थर्ड मोड जो इनका स्पोर्ट्स मोड है, इसमें आप इजली इसको 50-60 की स्पीड में चला पाओगे, है ना। 60 उसकी टॉप स्पीड कंपनी बता रही है, बट हम 60 से ऊपर भी चली जाती है मैंने देखा है। ब्रेक ठीक है, ब्रेक की बाइट अच्छी मिल जाती है आपको। तो ये स्कूटर के बारे में फाइनल वर्ड यही रहेगा मेरा कि अगर आप एक ऐसे स्कूटर सर्च कर रहे हो जिसमें आपको रेंज अच्छी मिल जाए, अफोर्डेबल प्राइस में हो। सबसे बड़ी बात ये है ना भाई कि आप ये सोचो ईवी में, जैसे इसकी ही बात करें तो 25 रुपये का अगर आप इसको चार्जिंग में खर्चा करते हो तो आपको लगभग 100-150 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो उस हिसाब से देखो ना, अगर आपको 100-150 किलोमीटर किसी पेट्रोल बाइक या पेट्रोल स्कूटर में चलाना है तो आप ये समझ जाओ कि 200-250 का पेट्रोल लगेगा, तो उस हिसाब से 10 times कम है ये। तो यही है भाई, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। अगर आपको प्योर ईवी की कोई भी स्कूटर खरीदनी है और आप होशंगाबाद या भोपाल के आसपास के हो तो आप सुधा इंटरप्राइजेस को विजिट कर सकते हो। होशंगाबाद में इनका एक शोरूम है, पिपरिया में है। इस बारे में कुछ भी आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे लिंक को विजिट करके आप इसके बारे में जान सकते हो।